Guys, welcome back to my channel. Now, आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज शायद पहली बार लेकिन फाइनली मैं इस चैनल से बात करने वाली हूँ खुशबू की. आई लव फ्रेग्रेंसेज. यू मस्ट हैव सीन मी बाइंग कैंडल्स इन बल्क. वो खुशबू आती रहनी चाहिए, ये मैटर करता है. वो किसी भी फॉर्म में हो, बी इट इन कैंडल फॉर्म, बॉडी ऑयल, बॉडी वॉशेस, डिओड्रेंट्स, मिस्ट, परफ्यूम्स. अब देखो, परफ्यूम का वीडियो है तो देखो 150-200 की बात नहीं करेंगे. आई हैव ट्राई टू क्लब ऑल द अफोर्डेबल वंस हियर. और ये सारे के सारे परफ्यूम्स ना मैंने अमेजोन से लिए हैं. आपको ग्रेट डिस्काउंट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं. सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब देखो, अगेन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं तो मोस्टली सारे अंडर 500 रुपीज़ हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग परफ्यूम्स, बट सिंस आई एम डूइंग इट सो इस ट्राई के लिए 1 लाख तो जरूर बनता है, राइट? एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे बेटर रहेगा अगर हम रैमसन्स के परफ्यूम से बिगिन करें बिकॉज वाई नॉट, इतने रीजनेबल होते हैं उनके परफ्यूम्स. एंड दिस इज रैमसन्स ला ओपेल EDP एंड दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज वेरी नाइसली पैकेज, जस्ट दैट मुझे इसकी कैप से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे जोकर की नाक लगती है. कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, इसमें आपको वुडी और थोड़ी सी ओरिएंटल नोट्स मिलते हैं. एक्सक्विजिट फ्रेग्रेंस है जो कि हर एज ग्रुप को अपील करने वाली है. एंड 100 रुपीज में अगर इतना कुछ मिल जाए और क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम. प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है, टिकने भी वाली है. बिगिनर हो ना तो डेफिनेटली इसके 2-3 वेरियंट्स हैं, जरूर ट्राई करना इसको तो स्पेशली. नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है ये इंगेज का परफ्यूम स्प्रे. दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स ऑरेंज इन कलर एंड इस तरीके की कुछ इसकी पैकेजिंग है. इट इज इन डाइल्यूटेड फॉर्म सो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 6-7 घंटे टिकेगा. नहीं, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे टिकने वाला है. एंड इसकी फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ तो इट इज अगेन वेरी स्वीट फ्लोरल एंड इसमें वेनिला के हिंट्स भी हैं. सो ऑल द पीपल जिनको वेनिला बहुत ज़्यादा खुश कर देता है इंक्लूडिंग मी, आई इन्जॉय यूजिंग इट सो मच. एंड बॉडी स्प्रे है, यहाँ वहाँ लगाया आपके कपड़ों पे भी ना आराम से टिक जाता है काफ़ी अच्छा. एंड काफ़ी फ्रेश फीलिंग आपको आएगी. अगेन कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट इट इज़ सो गुड एंड आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. इसमें काफ़ी सारे और भी वेरियंट्स आते हैं बट आई थिंक अमंग ऑल ऑफ देम I prefer this one. इस रेंज में आपका कोई फेवरेट हो ना तो कॉमेंट सेक्शन में बताना. Did I tell you about the price point of this? 144 रुपए मात्र. This is something जो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट किया था. एंड दिस इज विल्वा स्टोर का डीओ शॉट. इट्स इन दी वेरियंट लैवेंडर एंड सेज. आप बोलोगे अरे कोमल ये क्या मजाक है, ये कहाँ से परफ्यूम हुआ? भाई ये परफ्यूम ही है. इसकी खुशबू एट वंस तो ऐसे सर चढ़ जाने वाली है, बहुत ही देसी लगेगी. लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपका निकल जाएगा, नहीं. अब क्योंकि ये इस तरीके से आता है तो आप इसको कैरी कर सकते हो, रीअप्लाई कर सकते हो एज एन वेन नीडेड. जो नर्व पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे आप लगा के इसको काफी अच्छा टाइम निकाल सकते हो. अब देखो अल्कोहल नहीं है तो कंसिडर जरूर कर सकते हैं. और इसका प्राइस है 245 रुपीज. अगेन 300 रुपए से भी नीचे और क्या चाहिए. और इजी टू ट्रैवल अराउंड, बैग में डाला और काम खत्म. एक और चीज नोटिस करना, जब मुझे लगा था मैं इसको यूज करूंगी तो ये ऐसे ड्राई फॉर्म में होगा बट नहीं, इट इज सो वैक्सी एंड बामी, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है. दिस आई थिंक इज समथिंग जो कि मुझे मेंशन करना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? शुरुआत में मैंने बोला था कि 150-200 पे ध्यान मत देना, परफ्यूम की बात है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करो दिल खोल के. लेकिन किसको पता था मैं 60 रुपीज के पॉकेट परफ्यूम की बात करने वाली हूँ इस वीडियो में. दिस इज रैमसन्स का एक्जॉटिका पॉकेट परफ्यूम. दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स EDP, इजी टू ट्रैवल और इस पर्पज के लिए ये बेस्ट है. इसमें भी काफी सारे वेरियंट्स हैं आउट ऑफ विच आई रियली लाइक दिस वन. इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो एरोमेटिक और थोड़े से वुडी नोट्स हैं. डेफिनेटली नॉट फॉर पीपल जिनको सोबर और माइल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं. और भी वेरियंट्स हैं, ट्राई कर सकते हो. ऐसे इंगेज में भी आते हैं. सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट. और मेरा स्टोर भी चेक कर लेना, उसमें बहुत सारी मैंने और भी चीजें ऐड कर रखी है. नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज दिस इंगेज वुमेन का फेम वेरियंट. दिस इज द पर्टिकुलर फेम वेरियंट जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस रेंज में. नाउ कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट इट इज एक्चुअली वेरी 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 रीजनेबल. आपको क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है. एंड इफ यू आर इन टू स्वीट फ्लोरल एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस ना, दिस इज समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. और ये अच्छा टिक भी जाती है. आई एम बींग वेरी देसी कि हाँ ये टिकती है. इसमें ओरिएंटल के नोट्स भी हैं. स्निफ करके ही मजा आ गया. ऑल द परफ्यूम्स, वैसे तो मेरा रूम पूरा ऐसे महक रहा है. मैंने पहले ही बोला था कि खुशबू आनी चाहिए नो मैटर व्हाट, किसी भी फॉर्म में तो ऐसे खुशबू से महक रहा है. बट दिस वन समथिंग जो कि मैं आपको डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूंगी. आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट. इतना अच्छा टिकती है, इतनी स्ट्रांग है, मजा आ जाएगा. एंड स्पेशली इफ यू आर इन टू फ्रूटी एंड सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज ना, देन दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. दिस इज सीक्रेट टेम्पटेशन ड्रीम. दिस इज द वेरियंट कुछ इस तरीके से ये लगता है.
बहुत ही प्यारा पैकेजिंग है इसका, यू कैन ऑलरेडी सी इट, आई एम इन लव विद द पैकेजिंग, बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये बॉटल। जब ये सेटल होता है ना, थोड़ा सा मस्की और थोड़ा सा वुडी ऐसे लगता है। नाउ दैट मैंने इसको इतना हाईली रिकमेंड कर दिया है, इसका प्राइस कहाँ है भाई, 370 rupees ओनली। इसको अमेजोन से लिया था, अगेन ग्रेट डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट सब मिल जाते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक वीडियो बनाने का ना पर्पस होता है। जब मैं रिसर्च कर रही थी, पूरी प्लानिंग कर रही थी और सारा कुछ कर रही थी अबाउट दिस फ्रेग्रेंस वीडियो, आई केम अक्रॉस सो मेनी ऑफ योर कमेंट्स, जहाँ पे था कि मिनीसो के परफ्यूम ट्राई करके बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया तो मैंने मिनीसो के परफ्यूम्स कभी ट्राई नहीं करे हैं, मैंने करे हैं एंड आई फ्यू ऑफ देम। दिस इज डांसिंग ऑन सी शोर, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, इट इज सो क्लासी, सिंपल एंड शीक एट द सेम टाइम। इसकी अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ, नोट्स की बात करूँ, तो इट इज स्वीट एंड फ्लोरल। अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी की बात करूं तो अगेन सब्जेक्टिव है, आपको 3-4 घंटे में रीअप्लाई करना तो बनता है। प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छी है और उसमें हल्के से जैस्मिन के नोट्स भी हैं। दिस इज EDT, ऑल द परफ्यूम है लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम का कम होता है, डायल्यूटेड ज़्यादा होता है ये। इट इज़ नाइस एक्चुअली, डे टाइम के लिए भी अच्छा है और पार्टीज वगैरह नाइट टाइम पे भी बहुत सही लगेगा। इट इज सो नाइस, हाउ डू एक्सप्लेन, वेरी बैड एट इट। एक्चुअली टॉक अबाउट प्लम प्रोडक्ट्स सो मेनी टाइम्स ऑन दिस चैनल ऑलरेडी, स्पेशली देयर वेनिला वाइब्स बॉडी ऑयल, मतलब दैट इज वन थिंग विच आई केम अक्रॉस, आई वाज द फर्स्ट फ्यू वंस जिसको बहुत ज्यादा पागल जैसे नशा सा हो गया था उस प्रोडक्ट का। एंड दिस इज अनदर फेदर इन देयर कैप विच इज मैंने एक्चुअली ये मिनी वर्जन में मंगाया था जस्ट टू ट्राई। एंड दिस इज प्लम बॉडी लविंग का EDP, इट्स इन दी वेरियंट हवाइन रूम्बा, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप बहुत ही फ्रूटी कॉकटेल इस तरीके की फ्रेग्रेंस है, आपको लगेगा कि गोवा घूम रहे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो। मेरे केस में मैं जयपुर राजस्थान की ठंड गर्मी जो भी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी खुशबू आती है। एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है दैट इट डज नॉट लास्ट वेरी 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 लॉन्ग, स्टार्टिंग में भी सटल रहती है, बाद में भी सटल रहती है। इट कम्स इन दिस क्लियर ग्लास पैकेजिंग, यू कैन सी कि कितना प्रोडक्ट अभी बचा हुआ है। इसके अगर मैं आउटर पैकेजिंग की बात करूँ, कुछ ऐसा सा मिलता है और इसका MRP है 295, हाउ एवर अभी आपको अमेजोन पे 211 rupees में मिल जाएगा, सो इट्स अ ग्रेट डील, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस परफ्यूम की, यू हैव सीन मी टॉकिंग अबाउट इट ऑलरेडी, मैंने इसको रिव्यू किया हुआ है। इट इज़ अ डिफरेंट परफ्यूम, जेन्युइनली बिल्कुल बवाल है ये। व्हेन इट मिक्सेस विद योर नेचुरल बॉडी ऑयल या फिर स्वेट के साथ में मिक्स होता है, इट क्रिएट्स योर ओन इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस जो कि आपको खुद पे ही आ सकती है, किसी सामने वाले पे नहीं आएगी। मेरे केस में मैंने ये वाला जो पूरा डेमो था टेस्ट किया था नितेश के साथ में, दिस इज सर्टनली डिफरेंट जो कि आपको ट्राई करना चाहिए, बजट में भी है। अभी इट इज स्वीट सिट्रसी लेकिन जब ये सेटल डाउन हो जाती है ना, इट स्मेल्स मोर लाइक वुडी, इट्स अ गुड परफ्यूम, यू कैन ओवरऑल ट्राई इट, मतलब मुझे अच्छा लगा काफी है। वी हैव वन मोर फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम मिनीसो, दिस इज शाइन आइलैंड अरोरा, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। लुक एट द पैकेजिंग, इट इज मेड अप ऑफ कंप्लीट ग्लास एंड क्लियर पैकेजिंग, बहुत ही ज्यादा क्लासी। एंड इफ यू टॉक अबाउट ना फ्रेग्रेंस वाइज भी मैंने ऐसे एग्जैचुरेट नहीं किया हुआ है, बट आई एम इन टू स्वीट एंड फ्लोरल एट द सेम टाइम, एंड दिस वन इज स्पेसिफिकली वेरी स्वीट। वेन इट कम्स टू उसके नोट्स की बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा स्वीट है फ्रेग्रेंस। इट इज़ फ्रॉम मिनीसो, अगेन वेरी क्यूट, गुड लुकिंग एंड काफ़ी अच्छा, लाइक प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसेंट इनफ इट लास्ट, मतलब अच्छा टिक भी जाती है, सो नो कंप्लेंट्स ओवरऑल। एंड या विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, आई विल हैव सारे फ्रेग्रेंसेस, लाइक अभी ऐसा रूम ऐसा हो रहा है कि मैं तो कहीं हुई नहीं, फ्रेग्रेंस ही है हर जगह पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला वीडियो फिल्म करते, यू कैन ऑलरेडी सी द हैप्पीनेस थ्रू दिस लेंस। सो या विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, सारे ही परफ्यूम्स के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई मैंने एक्चुअली सारे अमेजोन से लिए हैं, कीप बाइंग फ्रॉम अमेजोन ओनली बिकॉज अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अनदर थिंग, आपको ग्रेट डील्स एंड डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, सो उससे बेटर क्या ही हो सकता है, राइट। आई विल ऑल्सो हैव माई स्टोर लिंक जहाँ पे आपको सारे ये फ्रेग्रेंसेस एक ही क्लिक पे मिल जाएंगे, सो वो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि ये वाला ढूंढना है वो वाला ढूंढना है, सेपरेट नहीं देखना पड़ेगा आपको। सो यस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, परफ्यूम कोई सा भी लो पॉइंट है, महकते रहिए, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।